प्रोग्राम लेट्स टॉक के साथ मैं हूं शिजा। नाजरीन, माजी की तरह इस साल भी अफगानिस्तान में कयाम अमन के लिए मुजाकरात का दौर शुरू हो चुका है। फिलहाल ये अमल तालिबान की जानिब से मुअत्तली का शिकार है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि मुजाकरात जल्द बहाल होंगे। अफगानिस्तान के जुग्राफियाई महले वकू के सबब यहाँ मौसम सरमा में इंतहाई महदूद सरगर्मियाँ होती हैं, इसीलिए जंग भी मुअत्तली का शिकार है। इलाकाई सियासत और दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग पर नज़र रखने वाले तज़िया निगार अच्छी तरह ये बात जानते हैं कि तालिबान मौसम सरमा में हमेशा से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर करते चले आए हैं, और मौसम बहार की आमद के साथ ही वो जंग छेड़ देने का ऐलान करते हैं। अमरीकी हुकूमत, अफगान हुकूमत और तालिबान क़यादत तीनों फरीकैन की जानिब से मसले की असल जड़ को नज़रअंदाज करने के सबब ये जंग अमरीकी तारीख की तवील तरीन जंग का रुख अख्तियार कर चुकी है। और अमरीका, जो वियतनाम के दलदलों से बाहिफाजत बाहर निकल आया था, आज तक यहाँ से निकलने में कामयाब नहीं हो सका है। नाजरीन, अब ज़रा नज़र डालते हैं माजी के इन हालात पर जिनसे गुजर कर अफगानिस्तान और अमेरिका इस रुख पर पहुँचे हैं कि ना तो अमेरिका अफगानिस्तान में अपने अहदाफ हासिल कर सका है, ना ही इसकी मदद से तश्कील पाने वाली अफगान हुकूमत मुल्क पर अपना कंट्रोल कायम कर सकी है। दूसरी जानिब तालिबान, जो आज भी अफगानिस्तान के एक बड़े खित्ते पर काबिज हैं, ताहाल राय आमा को अक्सरियती तौर पर अपने हक में हमवार नहीं कर पाए हैं, जिसके सबब इन्हें भी मुल्क का बिला शिरकत गैर मालिक तस्लीम नहीं किया जा सकता। नाजरीन, अफगानिस्तान की हालिया जंग का मंजरनामा 9/11 के बाद तरतीब पाना शुरू होता है, लेकिन इसकी जड़ें माजी में भी हैं। जब सोवियत यूनियन शिकस्त के बाद अपना जंगी साजो सामान अफगानिस्तान की नोकदार पहाड़ियों पर फेंक कर भाग खड़ा हुआ, और इसकी शिकस्त के पीछे वाज़िया तौर पर अमरीका और पाकिस्तान का इश्तराक था, रूस की गर्म पानियों तक रसाई की दरेना ख्वाहिश के सबब पाकिस्तान पर लाजिम था कि वो इस सीले रवां के सामने अफगानिस्तान में ही बंद बांधे, जो कि अफगानिस्तान के रास्ते हमारी जानिब बढ़ रहा था। रूस के इनखला के फौरन बाद ही अमरीका भी इस खित्ते से हाथ छुड़ाकर चल पड़ा, जिसके नताइज बाद में पूरे खित्ते ने भुगते। 9/11 के बाद अमरीका एक नए किरदार के साथ इस खित्ते में वापस आया। कल तक जो तालिबान अमरीका के इत्तहादी थे, आज वो इनके मुखालिफ थे। एजेंडा ये था कि तालिबान से इनके इस मस्कन को छीन लिया जाए जहां वो बैठकर पूरी दुनिया का अमन तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। अफगानिस्तान के साथ इंतहाई तवील सरहद और सदियों पर मुश्तमिल रिश्तों के सबब अमरीका के पास पाकिस्तान के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था, लिहाजा पाकिस्तान को बतौर फ्रंट लाइन इत्तहादी इस जंग में शामिल किया गया। जंग शुरू हुई तो ये पाकिस्तान के कबायली इलाकों और फिर अगले मराहिल में दाखिल होते हुए यहाँ तक के गलियों और बाजारों में दर आई। इस मौके पर भारत का तस्किरा बेमहल नहीं होगा कि जिसने पाकिस्तान में अपनी रवायती मुखालफत के सबब अपने पैसे को इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान में सिफारत खानों की शक्ल में अपना पूरा नेटवर्क तरतीब दिया, और बकौल पाकिस्तानी फौज की बानिए कमान के पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के लिए वहाँ से बैठकर भरपूर वसाइल इस्तेमाल किए। बिलाखिर मंजरनामा तब्दील हुआ, और सवात में सूफी मोहम्मद के साथ मौहदे की नाकामी के बाद पाक फौज ने एक्शन के ज़रिए एक एक करके पाकिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान के ठिकानों को ख़त्म करना शुरू कर दिया, और सरहद पर बाड़ लगाने का काम भी शुरू किया, जिसके असरात भी नज़र आए। और पाकिस्तान, जो कि रोज़ बम धमाकों का निशाना बनता था, अब ये वाक़यात पहले की नस्बत इंतहाई कम हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल से अफगानिस्तान में एक ड्रामाई तब्दीली आई, और अमरीका, जो इब्तदा में वहाँ फतेयाब दिखाई दे रहा था,
बिलाखिर इसी दलदल में फंस गया जिसमें इससे कैद सफेद रीछों यानी रूस फंस चुका था। साबिक अमरीकी सदर ओबामा के दौर से अमरीका चाह रहा है कि किसी तरह अपना साजो सामान समेटकर अफगानिस्तान से निकल जाए कि ये जंग अब ना सिर्फ इसकी मईशत पर असरअंदाज होकर अपने असरात दिखा रही है बल्कि फौजी भी इससे बेमकसद जंग से आजिज आ चुके हैं। लेकिन असल मसला ये है कि अफगानिस्तान से जाए तो कैसे जाए। अमरीका तो कंबल को छोड़ना चाह रहा है लेकिन ये कंबल अमरीका को नहीं छोड़ रहा। अमरीका जानता है कि अगर वो एकदम से इस खत्ते से निकल जाता है तो अपने साबका तजुर्बे के बिना पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के अमूर पर हावी हो जाएगा जो कि अमरीका के लिए किसी तौर भी काबिले कबूल नहीं। याद रहे कि पाकिस्तान जो कि खुद भी एक इंतहाई अहम महले वकू का हामिल है अफगानिस्तान जैसे इलाके में भी इसने अपने असरो रसूख कायम कर लिए। अमरीका की इस तशवीश को बढ़ावा देने में इसके दरेना दोस्त भारत का भी हाथ है जो इसे मुसलसल डरा रहा है कि अमरीका के इनखला की सूरत में चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशियन मंडियों तक रसाई हासिल करने लगेंगे और एक बार फिर अमरीका यहाँ से गया तो फिर दोबारा इस खित्ते में अपना असर रसूख इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। नाजरीन पाकिस्तान और चीन के दरमियान होने वाले सी पैक मुआहदा अमरीका की परेशानी की एक अहम वजह है। ट्रंप इंतजामिया ने अपने दौर की शुरुआत में पाकिस्तान को नज़रअंदाज करके भारत के जरिए अफगानिस्तान में अमन अमल करके आगे बढ़ने की कोशिश की थी जिससे इसे एक जानिब तो बुरी तरह नाकामी हुई जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान जो कि इसका फ्रंट लाइन इत्तेहादी था इसने भी अमरीका से अपना रवैया यकसर तब्दील करके इलाकाई सतह पर चीन और रूस के तआवुन से अफगानिस्तान में कयाम अमन को तेज़ी से आगे बढ़ाना शुरू किया। इस सारी सूरत हाल में अमरीका को मजबूर कर दिया कि वो एक बार फिर पाकिस्तान से रजू करे और यूं अमरीकी सदर अपने $33 बिलियन जिनका वो पाकिस्तान से हिसाब मांगा करते थे भूलकर नई पाकिस्तानी हुकूमत से राबता करने पर मजबूर हुए कि अफगान अमन अमल में पाकिस्तान एक बार फिर मौसर तौर पर अपना किरदार अदा करे। नाजरीन देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त आलमी बसात पर अपने मोहरे बहुत एहतियात से चला रहा है। सी पैक की सूरत में पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के इंतहाई करीब आ चुके हैं जिसके सबब पाकिस्तान का अमरीका पर इन्हिसार कम हो रहा है। दूसरी जानिब रूस से भी अपने ताल्लुकात पाकिस्तान बढ़ा रहा है। गुज़िश्ता कुछ अरसे में होने वाले सिफारती और दिफाई रवाबित इस बात के गवाह हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान के मशरिक़ वुस्ता के साथ भी अपने ताल्लुकात की असर नौ तश्कील की है और यमन के मामले में गैर जानिबदार रहकर अपना नया किरदार दुनिया के सामने मनवाया है। नाज़रीन पाकिस्तान की कोशिशों से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान अमूर ज़ल्मे खलीलजाद ने दिसंबर में पाकिस्तान की आला क़यादत और अफगानिस्तान में तालिबान क़यादत से मुलाकातें की जिसके बाद तालिबान और अमरीका के कतर में मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के आसार पैदा हुए। लेकिन इसके बाद सूरतेहाल ने एक नया रुख अख्तियार किया और तालिबान ने अमरीका पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुज़ाकरात के एजेंडे से पीछे हट रहा है ये कहकर अफगानिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए गए। बताया गया कि दोनों फरीकैन ने मुज़ाकरात भामी रजामंदी से कुछ वक्त के लिए मुलतवी किए हैं और कुछ इख्तलाफी अमूर को तय करने के बाद मुज़ाकरात का नए सिरे से आगाज़ किया जाएगा। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भी उम्मीद जाहिर की है कि मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ जल्द होगा। मुज़ाकरात की मुअत्तली के बाद अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद एक बार फिर अफगानिस्तान पहुँचे जहाँ इंतहाई मसरूफ शेड्यूल गुजारने के बाद उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया और अब वो सिविल और अस्करी आला सतह की क़यादत से मुलाकातें भी कर रहे हैं। नाजरीन उन्होंने अमरीकी हकूमत की जानिब से तालिबान
और अमरीका के दरमियान मुसालहत कारी के फराइज सरंजाम देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा भी किया। अमरीकी वफ्द में अफगान अमरीकी मिशन के सरबरा जनरल ऑस्टिन, अमरीकी सदर की नायब मॉविन लीजा क्रिस्ट और अमरीकी नाजिमुल अमूर भी शामिल हैं। GHQ में पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल जावेद कमर बाजवा से होने वाली मुलाकात में जुल्मे खलीलजाद ने अफगानिस्तान के हालिया दौरे में होने वाली पेशरफ से आर्मी चीफ को आगाह किया और आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू की। इस सारे मामले में पाकिस्तान और अमरीका दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो भारत पर खसूसी नज़र रखे, जिसने महज पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने के लिए अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की है। और अगर अफगान तालिबान और अमरीका किसी मुआहदे पर पहुंच जाते हैं तो ना सिर्फ अफगानिस्तान में की गई भारतीय सरमायाकारी डूब जाएगी बल्कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में अहम पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो जाएगा, जिससे भारत का खित्ते का चौधरी बनने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। आसार देखकर ऐसा लग रहा है कि अब की बार तालिबान और अमरीका के मुजाकरात किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने में कामयाब रहेंगे, लेकिन माजी बताता है कि मौसम सरमा में की जाने वाली ऐसी कोशिशें माजी में कभी कामयाब नहीं हुई। मौसम सरमा गुजार कर अफगान तालिबान हमेशा ही काबुल की अफगान हुकूमत और अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी और इत्तेहादी फौजों पर हमला शुरू कर देते हैं और सरमा में मुजाकरात का मकसद ताहाल इनके लिए गर्मियों में लड़ी जाने वाली जंग की यकसुई से तैयारी करना है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमरीकी अवाम पर उम्मीद है कि फरीकैन के मुजाकरात कामयाबी से हमकिनार हों और खित्ते में अब की बार कयाम अम की ज़रूर असल गेम चेंजर साबित हो। अब देखना ये है कि अमन की बहार की ये ख्वाहिश पूरी कब होती है। नेक्स्ट प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। अनटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।